यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल के जंगलों में भड़की आग ने मंगलवार को एक डिप्टी रेंजर की जान ले ली, जबकि तीन लोगों को जिंदा जला दिया गया। और जानकारी के अनुसार चंबा के भटियात उपमंडल की केथली बीट में मंगलवार दोपहर बाद जंगल की आग को बुझाने में जुटे डिप्टी रेंजर का पांव फिसला और ढांक में गिरने से उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान अशोक कुमार वासी गांव पुखरी जिला चंबा के तौर पर की गई है। मौके पर मौजूद सहयोगियों ने तुरंत इसकी सूचना विभाग के उच्च अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही एसडीएम भटियात बच्चन सिंह पुलिस और वन विभाग की टीम के साथ घटनास्थल को रवाना हो गए। डीएफओ डलहौजी राकेश कटोच ने घटना की पुष्टि की है। शव का पोस्टमार्टम बुधवार को करवाया जाएगा। उधर कुल्लू की यानी खंड की डिंगी धार पंचायत के ओड़ी गांव के समीप जंगल में सोमवार को लगी आग में झुलसी 46 वर्षीय रेगणु देवी ने मंगलवार को आईजीएमसी शिमला में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एसएचओ भाग सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव बुधवार को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के साथ सटे कांगड़ा जिला के गांव कोटला पट्टी में भी जंगल की आग बुझाते हुए झुलसने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे को गंभीर अवस्था में टांडा रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान सतवीर सिंह पुत्र अनूप सिंह निवासी पट्टी के रूप में हुई है।